अरे लिक्विड तो खत्म हो गया, पर कल तक तो था, फिर आज अचानक से कैसे खत्म हो गया? अब लाना पड़ेगा। ये है घर की बड़ी बहू प्रिया। जल्दी करो भाभी, मुझे भी अपने बर्तन साफ करने हैं। और ये है घर की छोटी बहू साक्षी, जो शादी करते ही अपनी जेठानी से अलग हो गई। अलग हो तो गई, पर आप सोच रहे हो ऐसे नहीं, ऐसे। अब हाँ मैं कर रही हूँ, पर मेरा ना लिक्विड खत्म हो गया है। अब तू मुझे अपना थोड़ा लिक्विड दे सकती है क्या? मैं वापस तुझे लौटा दूंगी। अब मेरा भी लिक्विड खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं अपने लिए लिक्विड लेने जा रही हूँ, तेरे लिए भी ले आऊँ? हाँ हाँ ठीक है, ले आना। हाँ तो पैसे दे। अब रहने दो, मुझे और भी सामान मंगवाना है, तो मैं सब साथ में ले आऊंगी। ठीक है। अरे मेरे पैसे, मैंने इसी में तो रखे थे, कहाँ गए? क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए? मैं भला आपकी चिल्लर लेके क्या करूंगी? ठीक है। हेलो, ठीक एक घंटे पहले मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था और अब तक नहीं आया है, मैं जान सकती हूँ क्यों? मैम आपका पिज्जा कब का ऑर्डर हो चुका है? क्या? हाँ मैम। मेरा पिज्जा कहाँ है? अब कौन सा पिज्जा? मैं नहीं जानती। ध्यान से देखो, तुम्हारे हाथ में केचप लगा हुआ है और मुझे पिज्जा का बॉक्स भी नजर आ रहा है, तो कहाँ है मेरा पिज्जा? अब हाँ तो क्या हुआ, भूख लगी थी तो खा लिया। वो कौन सा पल था जब मेरी दोस्त मेरी देवरानी बनी, मैं ही इसे अपने घर लेके आई और आज ये मेरा ही जीना मुश्किल कर रही है। प्रिया जल्दी से रेडी हो जा, हम बाहर घूमने चलते हैं। हाँ मैं भी देखती हूँ ये घूमने कैसे जाते हैं। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? प्रिया क्या हुआ, तू बाथरूम में बंद कैसे हो गई थी? लगता है बाथरूम के दरवाजे का लॉक खराब हो गया होगा, है ना भाभी? साक्षी मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? हाँ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच लेते आना। अच्छा ठीक है, पैसे दे दो। नहीं आप रहने दो, मुझे ना और भी सामान मंगवाना है, तो बाद में मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी, तो आप रहने दो। ठीक है। साक्षी मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अरे वाह ये तो मेरी फेवरेट है। बाप रे इसका स्वाद तो कितना कड़वा है। चलो अब भाभी के लिक्विड से मैं अपने बर्तन मांज लेती हूँ। हाँ
अरे ये मेरे हाथों में इतनी खुजली क्यों हो रही है? ये क्या हुआ मेरे हाथों को, ये खुजली क्यों हो रही है? साक्षी, क्या तुमने ये खाया था? हाँ, इसका टेस्ट बहुत बेकार है, इसे आपको नहीं लाना चाहिए था। बिल्कुल बेकार चीज उठा कर ले आए हो आप। और तुमने मेरे बर्तन धोने के लिक्विड को यूज किया? हाँ, लगता है आप एक्सपायर उठा कर ले आए हो। इसे यूज करते ही मेरे हाथों पर खुजली होने लगी है। वो तो होगी, क्योंकि ये सब मैंने किया है। क्या, यानी कि ये कुकीज, ये लिक्विड, ये सब आपका काम था? पर क्यों? सीधी सी बात है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। अगर दूसरों की चीजें लो तो दूसरों के साथ शेयर भी करो, और दूसरों का सामान लेने से पहले उनसे एक बार पूछो। मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी है। और मेरी खुजली क्या करूं? एक काम करती हूँ, नहा लेती हूँ। हाँ, अरे ये क्या, पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूं, एक काम करती हूँ, भाभी वाले बाथरूम में नहा लेती हूँ। हाँ, अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ये भाभी, भाभी ये दरवाजा खुल नहीं रहा है, जरा मेरी मदद तो करो भाभी। जब खुद पे आती है ना, तब पता चलता है। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज भाभी दरवाजा खोल दीजिए, और मैं आपकी चीजें भी कभी नहीं लूंगी, और आपकी चीजें लूंगी तो पूछ कर लूंगी, अपनी चीजें शेयर करूंगी। प्लीज भाभी दरवाजा खोल दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो ठीक है।